दोस्तों अगर आप एक Redmi का फोन इस्तेमाल करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम कभी ना कभी फेस हुआ होगा, चाहे आप गलती से उस ऑप्शन को क्लिक कर दिए हो या फिर जानबूझ के किए हो। फ्रेंड्स क्या होता है कि होम स्क्रीन पे आपका जो बैक करने का या फिर टास्क मैनेजर को क्लोज करने का या फिर होम बटन पे जाने का जो बटन नीचे आपको दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देता है, वो इनविजिबल हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, इस वीडियो में आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कैसे अगर आपका वो जो बटन है वो हाइड हो गया है तो आप उसे कैसे वापस से ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप शर्मा है, स्वागत है आप सबका एक नया फ्रेश वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे कोई भी होम बटन या फिर बैक बटन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे होम का पे जाने का या फिर उसे बैक करने का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है कि मैं इसे बैक करूँ। तो इसको आप कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है फ्रेंड्स सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ही आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करना है, ठीक है। डिस्प्ले पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का एक ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए ये फुल स्क्रीन गेस्चर पे ऑन है। इसको आपको यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका बैक बटन है, ये होम बटन है और यहाँ पे टास्क बटन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है फ्रेंड, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए एक्साइटिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।